तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि एक अपने पास रेडियो एक्टिव सैंपल है, और ये रेडियो एक्टिव सैंपल का जो मास है वो 10 ग्राम है। जब समय जीरो था, जब टाइम जीरो था, तो जो मास था वो एक्चुअल में जो मास था एम नॉट, ठीक है, वो 10 ग्राम था एम नॉट, ठीक है। अब कहता है मास कितना एलिमेंट होगा जब टू मीन लाइफ टाइम बीत चुका होगा। तो टाइम बीत चुका हुआ, टू मीन लाइफ, आई मीन लाइफ को हम टाउ से डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको पता होगा कि जो मीन लाइफ होता है टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ से लैम्डा के इक्वल होता है, तो यहाँ से 2 अपॉन यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, दैट इज टाइम टी, ठीक है। ये यहाँ से तो ये पूछ रहा है जब इतना टाइम बीत चुका होगा तो मास कितना होगा एम की वैल्यू, वो हमें निकालना है। तो ये जो फार्मूला रिमेनिंग न्यूक्लियर एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये न्यूक्लियाई रिमेनिंग न्यूक्लियाई के लिए लगा सकते हो, एक्टिविटी के लिए लगा सकते हो ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, और रिमेनिंग मास के लिए लगा सकते हो एम इज इक्वल टू एम नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये तीन फॉर्मेट में यूज होता है फार्मूला। तो अभी ये वाला फॉर्मेट यूज होगा, तो रिमेनिंग मास आफ्टर दिस टाइम एम इज इक्वल टू एम नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो एम नॉट यहाँ पे दिया हुआ है ई की पावर माइनस लैम्डा टी, टी की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 अपॉन लैम्डा है, तो लैम्डा से लैम्डा खत्म हो गया, तो यहाँ से एम नॉट ई की माइनस 2 बचा, मतलब यहाँ से एम नॉट ई का स्क्वायर बचा। तो एम नॉट यहाँ से 10 ग्राम बचा, और ई एक नंबर है तो जिसकी वैल्यू 2.7 होती है, और इसका होल स्क्वायर मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.7, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.35 ग्राम आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इतना मास बचेगा इतने टाइम बाद।